औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक है क्लास सेकंड ईयर और टेंथ के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमने ब्रेन ऑलरेडी डिस्कस की है, आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड। के स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सो इट इज़ एन एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। हमने ऑलरेडी ब्रेन के बारे में डिस्कस की है, आप इसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। सो स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल रॉड है जो कि प्रेजेंट है हमारे बैक साइड पे, हमारे डॉर्सल साइड पे, वर्टिब्रल डिस्क ने इसको प्रोटेक्ट की है। सो इट इज़ इन एलोंगेटेड पार्ट ऑफ द CNS। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक एलोंगेटेड पार्ट है। अब ये इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम मेडुला ओब्लॉन्गेटा टू L1। क्या मतलब L1? ये हमारे साथ वर्टेब्रल बोन है, 7 सर्वाइकल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मिसाल के तौर पे 7 सर्वाइकल ये हो गई। फिर है 12 थोरेसिक और फिर है पाइप लंबर और फिर है पाइप सेक्रम और फिर कॉक्सिक है। यहाँ पे मैं आता हूँ पाइप लंबर पे। ये मेडुला ओब्लॉन्गेटा है, ये L1 है। L1 मींस लंबरिक नंबर 1 बोन तक इसकी एक्सटेंशन है, इसकी ये लेंथ है। यहाँ तक आई है, अपनी जरूरी MCQs याद रखनी है। फ्रॉम मेडुला ओब्लॉन्गेटा टू L1, कीप इन माइंड इट। अब ये लेंथ इसका एडल्ट में है। जब हम पेटल लाइफ में होते हैं, मीन दैट जब कोई बच्चा माँ की फीट के अंदर है, माँ के एब्डोमेन के अंदर है, तो फिर जितने लेंथ वर्टेब्रल कॉलम की है, रीढ़ की हड्डी की है, उतनी ही लेंथ है स्पाइनल कॉर्ड की। लेकिन ये बात आप याद रखिए कि द वर्टेब्रल कॉलम ग्रो फास्टर देन स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से फास्टर ग्रोथ करती है। सो एट बर्थ के दौरान ये L3 तक आता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इसकी लेंथ L3 तक होती है, यहाँ L3 तक। और जब हम एडल्ट हो जाते हैं, सो एडल्ट में ये आता है L1 तक। चाइल्डहुड में थ्रू आउट द वर्टेब्रल डिस्क तक ये इसकी एक्सटेंशन है, फिर बर्थ के दौरान L3 तक, और जब हम पैदा होते हो तो L1 तक आते हैं। लेंथ कितनी है इसकी? 45 सेंटीमीटर है मेल में, 42 सेंटीमीटर है फीमेल में। हम एवरेज लेंथ लेते हैं इसका 18 इंचेस सेंटीमीटर में, 45 सेंटीमीटर मेल में है एंड 42-43 सेंटीमीटर पाया जाता है ये फीमेल में। विड्थ है अबाउट 1/2 इंच। इट इज द साइज अबाउट द लिटल फिंगर। ये हमारा लिटल फिंगर, ये मेरी लिटल फिंगर है, इसकी बराबर इसकी क्या है, इसकी विड्थ है। ठीक है, प्रोटेक्शन तो जाहिरी बात है वर्टेब्रल कॉलम, ये जो रेड की हड्डियाँ है इसकी प्रोटेक्शन इसके रेड की हड्डियाँ ने की है, और इसके अलावा मेनिंजीज आल्सो प्रोटेक्ट दिस। अब ये जो निकला है, ये जो हमारे साथ पार्ट है, यहाँ पे ये ब्रेन है, ब्रेन ये स्कल है, स्कल से नीचे एक्सटेंड हुए स्पाइनल कार्ड। यहाँ पे ये ब्रेन हो गई, ये स्कल है। यहाँ पे एक पोर है, इस पोर को हमने नाम दी है पोरामेन मैग्नम। ठीक है, पोरामेन मैग्नम के नाम से हम एक पोर को जानते हैं, और इस पोर के जरिए क्या हुआ है, ये जो पोर है, ये पोर के जरिए ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन कनेक्टेड है पोरामेन मैग्नम के, ये एक्टिविटी है। ठीक है, अब यहाँ ये एंड हुआ है और ये एंड पार्ट है इसका, इसको हम कहते हैं कॉरस मेडुलेरस। ठीक है, कॉनस मेडुलेरस, CONIS एंड मेडुलेरस, दैट इज द एंड पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे ये L1 तक आती है। ये तो हो गई इसकी स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ और विड्थ के बारे में। अब हम आते हैं इसके क्रॉस सेक्शन के बारे में। क्रॉस सेक्शन मीन दैट ये हमारे साथ स्पाइनल कार्ड है, इसका मैं अगर क्रॉस सेक्शन ले लूँ तो ये कैसे हमें नजर आएगा? मिसाल के तौर पर स्पाइनल कार्ड है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया और फिर मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, तो इसकी क्रॉस सेक्शन कैसे होगी? चलिए देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड। सो जब हम स्पाइनल कार्ड का क्रॉस सेक्शन ले तो इसमें हमें दो एरिया नजर आती है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ हो गया ब्रेन
और ये हो गए स्पाइनल कॉर्ड। इसका मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये क्रॉस सेक्शन है। सो यहाँ पे एक इनर पार्ट है, एक आउटर पार्ट है। दिस इनर पार्ट, ये जो इनर पार्ट है, दिस इनर पार्ट वी कॉल द ग्रे मैटर। सो इट इज द इनर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वी कॉल द ग्रे मैटर। यहाँ पे ग्रे मैटर के सेंटर में एक फोर है, एक केनाल है, इसको हम कहते हैं स्पाइनल केनाल या सेंट्रल केनाल। सेंट्रल केनाल, दिस सेंट्रल केनाल इज कनेक्टेड अबव विद फोरामेन मैग्नम, और फोरामेन मैग्नम से ऊपर ही जाती है फोर्थ वेंट्रिकल को। सो आपने ये एमसीक्यूज याद रखने हैं। फोर्थ वेंट्रिकल से जो कि ब्रेन में पाया जाता है, मैंने आपको ब्रेन के स्ट्रक्चर में बताया था, ये फोर्थ वेंट्रिकल से इस स्पाइनल का केनाल का कनेक्शन है। ये ब्रेन है, ब्रेन के यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल है, और फोर्थ वेंट्रिकल के ये स्पाइनल कॉर्ड का क्या है, सेंट्रल केनाल है, इसकी कनेक्शन है। सो जाहिर बात है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे हमारे साथ CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होंगे। अब ये इसके पार्ट्स है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इसका है डार्सल पार्ट, डार्सल मतलब पीछे वाला, और ये है ये जो दूसरा हिस्सा है इसको हम कहते हैं वेंट्रल पार्ट या वेंट्रल पोर्शन। कैसे वेंट्रल है, कैसे डार्सल है, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हाथ रेड की हड, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शन ले लिया, ठीक है, इसको मैंने इसे क्रॉस काट दिया। सो इसका ये एक पीछे वाला हिस्सा है, डार्सल मीन पीछे, सो ये डार्सल पार्ट हो गया, पीछे वाला हिस्सा। ये ऐसे ये जो इनर या ग्रे पार्ट है, इट रिजेंबल लाइक एच या एच शेप या बटरफ्लाई शेप है या एच शेप, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये बिल्कुल एच शेप है, ठीक है। यहाँ पे ये सेंट्रल केनाल है, ये इसका डार्सल पार्ट है और ये इसका वेंट्रल पार्ट है। सो ये असल में ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ये डार्सल पीछे साइड से और ये वेंट्रल इसका ये फ्रंट साइड है। सो ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड ऐसा हो गया, ठीक है, ये वेंट्रल पोर्शन हो गया इसका, ये इसका पीछे वाला डार्सल पोर्शन हो गया। अब देखिए ये ग्रे है, यहाँ पे होंगे न्यूरॉन की सेल बॉडीज। सो इट कंटेन सोमा ऑफ न्यूरॉन, सोमा ऑफ न्यूरॉन मींस सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कुछ डेंड्राइट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और एक सेंट्रल केनाल भी है। आप एक बात याद रखिए, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलते हैं, एंड ऑल नर्व्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जिसमें एग्जान बंडल्स होते हैं, एग्जान फाइबर होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन की भी और मोटर न्यूरॉन की भी, यानी इम्पल्स के रिसेप्शन CNS को और CNS से फिर इफेक्टर को, दोनों किस्म के इम्पल्सेज भी कैरी आउट करते हैं। सो ये डार्सल पार्ट है, और इस स्पाइनल कॉर्ड का डार्सल पार्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एक न्यूरॉन लगा होगा, ऐसा होगा सेंसरी न्यूरॉन, और यहाँ भी एक न्यूरॉन आया होगा, ये वेंट्रल पार्ट है, ये होगा हमारे साथ मोटर न्यूरॉन, दोनों फिर कनेक्ट होकर एक मिक्स्ड नर्व बनाता है और एक पर्टिकुलर ऑर्गन को लीड करते हैं। सो आपने MCQ जरूर याद रखनी है, डार्सल साइड से कनेक्टेड है सेंसरी नर्व, और वेंट्रल साइड पे कनेक्टेड है हमारे साथ मोटर नर्व। आपने ये MCQs अपने जहन में ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द ग्रे मैटर, इनर पार्ट है, बटरफ्लाई शेप है, सेंटर में केनाल है, सेंट्रल केनाल, यहाँ पे न्यूरॉन के सोमास के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसको हम न्यूक्लिया कहते हैं, ठीक है। फिर आते हम बाहरी वाले हिस्से को, जिसको हम कहते हैं वाइट मैटर। सो वाइट मैटर इज द आउटर पार्ट। यहाँ पे हमारे साथ प्रेजेंट होंगे एग्जान बंडल्स प्रेजेंट होंगे, और इस एग्जान बंडल को हम नर्व्स नहीं, इसको हम कहते हैं ट्रैक्ट। सो बंडल ऑफ एग्जान फाइबर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम वी कॉल ट्रैक्ट, बंडल ऑफ एग्जान फाइबर इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वी कॉल नर्व, ठीक है। ये नर्व है, बाहर है मिक्स्ड नर्व, अंदर जो प्रेजेंट होते हैं इसको हम कहते हैं ट्रैक्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनर एंड आउटर। सो ये वाइट क्या होता है, यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। सो माइलिन शीथ के प्रेजेंस की वजह से ये वाइट दिखाई देता है।
यहाँ ज़्यादातर एग्ज़ाम बंडल नहीं है तो माइलिन शीट नहीं है, इसलिए इट लुक्स ग्रे इन कलर, ये खाकी है रंग में। ठीक है, अब आते हैं स्पाइनल कार्ड के फंक्शन को और फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं। सो स्पाइनल कार्ड के फंक्शन में कुछ फंक्शन यू है कि एट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन बिलो द हेड रीजन, बिलो द हेड रीजन विदड्रॉल ऑफ हैंड है या नी जर्क है, सब रिफ्लेक्सेस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कार्ड हेड की बिलो। ठीक है, एट कंडक्ट एम्पल्सिस फ्रॉम स्किन एंड मसल टू ब्रेन, स्किन से और मसल से एम्पल्सिस ब्रेन को ले। सो इट इज अ हाईवे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन को ले जाती है और फिर मोटर इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेके मसल तक ले जाती है। सो इट आल्सो रिसीव कमांड्स फ्रॉम ब्रेन टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द ट्रंक, ये ट्रंक है, ये बैक है। ठीक है, ब्रेन से कमांड्स को रिसीव करके ट्रंक के ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल में रखता है। सो दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड, होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।